अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड बाय अरीब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज स्क्वाश, और इसके साथ मैं आपको इसकी ऑरेंज स्क्वाश की दूसरी रेसिपी भी बताऊंगा, जिससे हम इसकी ड्रिंक बना सकेंगे। हम इसकी ड्रिंक भी बनाएंगे, स्क्वाश भी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारी वीडियोज़ को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिए हैं किन्नू, तो यहाँ पे हम किन्नुओं का जूस निकाल लेंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप नॉर्मल इससे भी जूस निकाल सकते हैं किन्नुओं का। तो हम ऐसे ही सारे किन्नुओं का जूस निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने किन्नुओं का 1 लीटर जूस लिया है, 1 लीटर होगा ये हिसाब में। तो अब हम यहाँ पर सीरप बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप पानी, 1/2 कप पानी और 1/4 कप पानी। टोटल यहाँ पर 1/2 और 1/4 कप पानी लिया है मैंने। अब उसके अंदर हम डालेंगे 2.5 कप चीनी। सीरप है तो यहाँ पर पानी चीनी ज़्यादा जाएगी, ये गया इसमें 2 कप और अब जाएगा 1/2 कप चीनी, इसमें ज़्यादा ही जाएगी। अब हम चीनी को जब तक पकाएंगे कि ये पानी के अंदर डिजॉल्व ना हो जाए बिल्कुल, चीनी हमें दिखनी नहीं चाहिए पानी में, ऐसे हमें इसको पकाना है। तो चीनी हमारी यहाँ पर अच्छे से डिजॉल्व हो गई है और यहाँ पर बुलबुले आना शुरू हो गए हैं। तो हम यहाँ पर इसके अंदर दूसरी चीज़ें डालना स्टार्ट करते हैं। हम इसके अंदर किन्नू का जूस डालेंगे अपने, हमें यहाँ पर इसको छान के डालना है अपने किन्नू के जूस का, तो इसमें कोई भी छिलका होगा तो वो निकल जाएगा। तो ये देखें, ये हमने इसको अच्छे से छान लिया है और इसके अंदर से ये निकला है। अब हम इसको फेंक देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे इसको हम। इसको छानना ज़रूरी होता है वरना ये पल पाएगा बीच बीच में। अब हम इसको अच्छे से अपने शुगर सीरप पे मिक्स कर लेंगे, जो हमने चीनी घोल के पानी बनाया था उसके अंदर। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून नींबू का रस। यहाँ पे मैंने 2 पूरे नींबू लिए थे और उसका रस मैंने इसके अंदर डाल दिया। टोटल 3 टेबल स्पून डाला मैंने इसके अंदर। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून टाटरी डालेंगे। टाटरी डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको पकाएंगे 40 से 45 मिनट, याद है जब तक गाढ़ा ना हो जाए। और बीच बीच में हमें इसको चमचा चलाते रहना है, क्योंकि ये इसमें बबल्स ऊपर तक आ सकते हैं। तो आपने बिटवीन में आप चमचा चलाता रहना है, हर 5-5 मिनट में आप चमचा चलाते रहिएगा इसमें। तो हमारा सिरप काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे ये और गाढ़ा हो गया है, हमें 45 मिनट होगा इसको चलाते हुए, ये ठीक हो गया। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे अपना और इसका इसको ठंडा होने देंगे। जब हमारा ये ठंडा हो जाएगा तो मैंने इसको एक जग में ट्रांसफ़र करके अब हम इसको एक बोतल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हम इसको सारा बोतल में डाल लेंगे अपना सिरप, हमारा जितना भी सिरप बना था सारा बोतल में। तो देखिए सिरप हमारा यहाँ पे बोतल में है, ये रेडी हो चुका है। इसको हम 3 महीने के लिए रख सकते हैं फ्रिज में। अब हम इसकी ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये ड्रिंक कैसे बनेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे आइस क्यूब्स, हम यहाँ पर ठंडा बना रहे हैं, ठंडा ही बनता है वैसे तो। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 4 टेबल स्पून अपना ऑरेंज सिरप जो हमने अभी बनाया था। ये सिरप डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे ठंडा पानी। पानी डालने के बाद हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नीचे जो भी सिरप हो वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो ये रेडी है। अगर आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और हमारी वीडियोज़ का से देखता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।